ऑनलाइन। गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा एक दो मिनट का लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो बच्चों, आज हम लोग, कल हम लोगों ने किया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का डिटेल एनालिसिस किया था, किस साल में कितने, किस पेज से कितना इम्पोर्टेंट था। तो क्या इंपॉर्टेंट निकला था बच्चों? पेज नंबर 195, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, डीएनए लाइगेज। इसके बाद बच्चों आपका क्या था इंपॉर्टेंट? आपका वेक्टर, वेक्टर में ओरिसाइट, सेलेक्टेबल मार्कर, ये सब। सबसे ज्यादा बच्चा परेशान कहाँ होता है इस चैप्टर में बेटा? ट्रांसफार्मेंट, नॉन ट्रांसफार्मेंट, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। और 2010 से 20 तक अभी तक कोई क्वेश्चन सीबीएसई, एआईपीएमटी और नीट में नहीं पूछा गया था। आप उस लेक्चर को कर लीजिएगा। आज चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं बेटा इसका पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अवंतिका, हाँ भाई, डॉक्टर रजत त्रिपाठी, एक जोश के साथ, जोश एंड जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग अनुज। तो बच्चों जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पहले जरा बताइए स्किन ब्रिजबल है कि नहीं? बहुत अच्छे से स्किन विजिबल है। ठीक है, थैंक यू। द डीएनए मॉलिक्यूल्स टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। 2015 का क्वेश्चन बेटा, चलिए जवाब दीजिए। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? वेक्टर। सिंपल सी बात है भाई, वेक्टर पे क्या करते हैं बेटा? इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल सी बात है। वेक्टर इज बेटा आपका कॉमन वेक्टर था पी बी आर 322, ठीक है ना? प्लाज्मिड बोलीवर रॉड्रिगेज 322 आपको याद होना चाहिए। जरा बताइए बच्चों, वेक्टर में जो क्लोनिंग करने के लिए एक कोई साइट होता था जिसके बिना क्लोनिंग नहीं हो सकती, जरा बताइए वो कौन सी साइट है? यस अनुश्री, फास्ट कराते बच्चा। यस, ओराई साइट बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था ओरी साइट। आंसर इज वेक्टर। नेक्स्ट, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स, लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, प्रोब्स। बच्चों जो डीएनए का स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना किसकी डिस्कवरी से पॉसिबल हुआ था? शिवम बच्चा, क्योंकि एंटीबायोटिक से जो आपका रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट पहचानना था वो बहुत बोझिल प्रोसेस था, कंबरसम था, इसलिए हम लोग यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, बीटा गैलेक्टोसिडेज। हाँ भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बच्चों इस पे काम किया था बोयर साहब ने, ये भी याद होना चाहिए। और ईयर था बेटा 1969। खोज कहां से स्टार्ट हुई थी बेटा? 1963 से। 1963 में पता चला एक ऐड करता है मिथाइल ग्रुप, मिथाइलेशन, और एक कट करता है। जो कट करता है ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है, और मिथाइल ऐड करना ये भी इनएक्टिव होता है। उसके 5 साल बाद 1969 में बोयर साहब ने स्टडी किया था कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में। बेटा प्रोब्स होते हैं डीएनए, आरएनए और बोथ। हाँ भाई, बोयर आ गए, वेलकम बोयर जी। हाँ दोनों, वेरी गुड, अच्छे बच्चा। 1969 में आर एच विटेकर भी आते हैं भाई। बोथ होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे, ये भी याद होना चाहिए। तो भाई सिंगल स्टैंडर्ड होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे, डीएनए भी हो सकते हैं और आरएनए भी हो सकते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स ये बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं,
और लाइगेसेस होता है बेटा जो डीएनए को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 मेंस में पूछा गया था प्यारे बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन, हीवियर आइसोटोप लेबलिंग, हाइब्रिडाइजेशन। ये आपकी एनसीईआरटी की पूरी लाइन है। यस ए एस चक्रवर्ती, यू आर राइट बच्चा। यस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल किया गया था बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग, कट करके फॉरेन डीएनए लाया गया, इसमें जोड़ा गया, कट करके फॉरेन डीएनए लाया गया और इसमें जोड़ा गया, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो एक्सरे डिफ्रेक्शन है इसका कहां पढ़ा था बेटा आपने, एक्सरे डिफ्रेक्शन कहां पे पढ़ा है आप लोगों ने? एक्सरे डिफ्रेक्शन कहां पे पढ़ा है बच्चों? बहुत तेजी से जवाब देते रहे भाई। यस डबल हेलिकल मॉडल में जो डेटा दिया गया था, डेटा वाज गिवन बाय मॉरिस विल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। मॉरिस विल्किन्स एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। तो कहने का मतलब बच्चों, विल्किन एंड फ्रैंकलिन बोलते हैं एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा था और टेक्निक थी बच्चों एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर का 3D डायग्राम बनाना, 3D व्यू बनाना, ये होता बेटा एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, और जो डेटा ऑब्टेन किया जाता है वो होता है बेटा एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा। हीवियर आइसोटोप, ये तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा, मेल्विन केल्विन में भी यूज किया था, आपका मिजेलसन एंड स्टॉल ने भी यूज किया था, हर्सन एंड चेज ने भी यूज किया था। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन जीन क्लोनिंग? न्यूक्लियोइड्स, लोमासोम्स, मीजोसोम्स, प्लाज्मिड्स। न्यूक्लियोइड्स, लोमासोम्स, मीजोसोम्स, प्लाज्मिड्स। हाँ भाई, तो सिंपल है, प्लाज्मिड्स का यूज करते थे बेटा हम लोग क्या करने के लिए, वेक्टर है तो ये बेटा वेक्टर में ओरी साइड पाया जाएगा तो रेप्लिकेशन भी करेगा, ट्रांसफर भी करेगा। वेक्टर की दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेप्लिकेशन की भी, ट्रांसफर होने की भी, और सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। और बच्चा न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियस बेटा वह स्पेस होता है प्रोकैरियोट में जहां पे उसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं या कभी कभी जीनोफोर भी बोल देते हैं। मीजोसोम्स बेटा ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, तीन काम करता है, एक काम रेस्पिरेशन में, दूसरा काम बच्चा सेल वॉल फॉर्मेशन में, और तीसरा होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू डॉटर सेल्स, तीन काम करता है। लोमासोम्स, स्पेरोसोम, ये सब बेटा माइक्रो बॉडीज हैं, ये सब क्या बेटा माइक्रो बॉडीज हैं, ये भी बेटा सेल मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग होती है। हाँ, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाता था, आंसर होता है लोमासोम्स। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अदरा ईयर देख लो, नीट 2020 पांच क्वेश्चन आए थे इस साल 2020 में। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फंक्शन बाई इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, दे आर यूज फुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, स्टिकी इंड्स कैन बी ज्वाइंट बाई यूजिंग डीएनए लाइगेज। यस राइट, नहीं भाई सविता बच्चा बी नहीं होगा, समझो पूरी कोशिश देखो, ये तीनों पॉइंट
रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के बारे में सही है भाई। ये फंक्शन करते हैं कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को पकड़ते हैं, कट करते हैं पैलिंड्रोमिक साइट पे, और यूजफुल होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये तीनों पॉइंट एनसीईआरटी में लाइन है पूरा, ये भी बात सही है, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी ना है, ये तो डीएनए लाइगेज के बारे में। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका ये डी। हाँ ये नहीं होगा बच्चा प्रकाश चंद अजीत, ये नहीं होगा भाई, ये तो बात सही है, ये आंसर इज डी। ये डीएनए लाइगेज के बारे में बात कर रहा है, ना कि रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के। तो रिगार्डिंग है ना, ये तीन पॉइंट सही, ये बात गलत, ठीक है ना भाई। राहुल भास्कर प्रणाम भाई। तो स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंट बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग नीट 2020। चलिए बताइए बताइए बच्चों बताइए। लाइगेजेस ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल, पॉलीमरेजेस ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, न्यूक्लियस सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक्सो न्यूक्लियस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। तो जरा देख रहो ये छोटू चंदेल राम राम भाई, तो जरा देख लो बच्चों, लाइगेज के रूप में दो क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, दोनों में आंसर लाइगेज के हिसाब से था। पॉलीमरेज बेटा फ्रेगमेंट नहीं बनाता, डीएनए पॉलीमर बनाता है, न्यूक्लियस स्ट्रैंड को नहीं सेपरेट करता, कट करता है, और एक्सो न्यूक्लियस बाहर से कट लगाता है, ये बोला है अंदर विद इन डीएनए, डीएनए के अंदर, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। बहुत अच्छा भाई, सभी ने जवाब सही दिया है, बहादुर बच्चे हैं भाई सब। फिर देखो 2020 में एक पेज में ही सारे क्वेश्चन थे। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1, चलिए बताइए इको R1 कौन सा स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा पहला GAA TTC 5' to 3'। फिर से देखो पोलैरिटी, देखो जब भी बच्चों आप रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखोगे तो पोलैरिटी भी ध्यान रखिएगा, आपको बस यही याद रहता है GAA TTC, पोलैरिटी भूल जाते हो आंसर गलत हो जाता है। 5' to 3' GAA TTC आंसर ये हो जाएगा। कभी मान लो आपको हमने ऐसे दे दिया GAA TTC, फिर दे दिया GAA TTC, पोलैरिटी यहाँ पे 5 to 3 कर दिया, फिर यहाँ पे भी कर दिया 5 to 3, तो ये गलत हो जाएगा। 5 to 3 और यहाँ पे होना चाहिए 5 और यहाँ पे होना चाहिए 3, तब सही होता। बाकी कल हमको आपने बताया ही था, हमने आपको गगा गा घटक आग, ये BAM H1 के लिए है, आज आपको बेटा हम सारी फाइल प्रोवाइड कर देंगे। ये बेटा आपका ECO R1 के लिए है, घटक है बेटा आपका HIND 2 के लिए, और आग है बेटा HIND 3 के लिए। इतना तो आपको याद ही होना चाहिए, गगा गा घटक आग, गगा गा घटक आग। अब बच्चों कहोगे सर आपने तीन ही बताया, ये तो 6 का होना चाहिए, तो आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। GGA है, अब स्टार्ट करो, ए किससे पेयर करेगा बेटा, थायमिन से, गुआनिन साइटोसिन से, गुआनिन साइटोसिन से, बन गया आपका। तो तीन याद करो बाकी बना ले जाओगे आप, गगा गा घटक आग। बाकी कल आपको ब्लंट एंड और स्टिकी एंड वाला दिया था, वो आज आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन वेक्टर इज फॉर्म्ड, टर्म क्या कहते हैं। अभी शुरू में ही क्वेश्चन पूछा था नीट 2020, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा चैप्टर है, 5 क्वेश्चन 2020 में आया है और 21 में भी बेटा 4 से 5 क्वेश्चन आना ही आना है। कौन होगा बच्चा, ओरिसाइट, कौन होगा बच्चा, ओरिसाइट। तो जरा देख लो अभी तक क्वेश्चन किया क्या मिला आपको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वेक्टर डीएनए लाइगेज, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुलाइज विद द हेल्प ऑफ, नीट 2020, नीट 2020। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुलाइज विद द हेल्प ऑफ एसिटोकार्बिन इन ब्राइट ब्लू लाइट, इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, एसिटोकार्बिन इन यूवी रेडिएशन, इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन। तो बच्चों आपको पता होगा डीएनए में जो ऑरेंज बैंड बनता है जब स्टेनिंग करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से, और बच्चों रेडिएशन कौन सा होता है, यूवी। यूवी रेडिएशन कैसा होता है बेटा, नॉन आयोनाइजिंग। बेटा जो एसिटोकार्बिन दिया है ना, इसके बारे में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ये बेसिक डाई है और बेटा क्रोमोसोम को स्टेन या न्यूक्लियस को स्टेन करने में यूज कर सकते हो, क्रोमोसोम्स। एसिटोकार्बिन बेसिक डाई है बेटा क्रोमोसोम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए जवाब दीजिए। तो बी कैसे दे रहे हैं बच्चों, समझ नहीं आ रहा हमें। द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए। जरा ये देखो, द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, कल ही बताया था वन है भाई, कट्स ओनली वन है। और कैसा होता है बेटा, कट्स बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड को कट करता है भाई, हाँ तो सी हो जाएगा। अ सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू, ओडिशा नीट 2019। सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल क्या होता है, एनसीईआरटी की एकदम लाइन सेंसर है, हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी जनरेटेड। हाँ भाई सिंपल सा है, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का क्या करना बेटा, सिलेक्शन करना, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन करना। बच्चों बस यही एक क्वेश्चन था और वो भी सिंपल सा था, ये नहीं पूछा था कि कौन किसमें ग्रो करेगा, एंटीबायोटिक का नाम नहीं दिया था। बच्चों एक बस याद कर लेना, ये आपको पीबीआर 322 याद होना चाहिए। और इसमें एक चीज याद कर लेना, अगर टेट्रासाइक्लिन में फॉरेन डीएनए इंसर्ट किए हो तो टेट्रासाइक्लिन खराब, तो जो दूसरा वाला बचा है एम्फिसिलिन, ये सेलेक्ट करेगा ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का, क्लियर। अगर यहां इंसर्ट कराए हो तो जो दूसरा बचा है वो सेलेक्ट करेगा ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, और जहां पे इंसर्ट कराए हो वो सेलेक्ट करेगा रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को, बस इतना याद होना चाहिए। अगर इधर कर दोगे एम्फिसिलिन में तो जो दूसरा बचेगा वो सेलेक्ट करेगा बेटा ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, और जहां पे इंसर्ट करते हो वो करेगा बेटा रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को, ठीक है ना बेटा। मत कुछ याद करना, बस इतना ही याद रहना चाहिए, क्लियर। जहां पे इंसर्ट करोगे जो दूसरा बचेगा वो यूजफुल होगा इन द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और जहां पे इंसर्ट कर रहे हो वो बेटा सेलेक्ट कराएगा रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्लियर। बस बेटा इससे ज्यादा मत याद करिए, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, आप लगा लीजिएगा जो भी क्वेश्चन।
बच्चों अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो आपका था बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब आते हैं 12 पे। क्या दिया जा रहा है देखो, गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओडिशा नीट 2019 का है। बताइए थैंक यू यस वेरी गुड अच्छे चार क्वेश्चन कहाँ छोड़ा है। चलो देखते हैं, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल सो इट इज लोकेटेड ऑन जेल टुवर्ड द एनोड, भाई भागेगा एनोड की तरफ, बात सही है। डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। इसके बाद जरा देख लो, ये भी तो भाई सही हो जाएगा, इनकरेक्ट है। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स थ्रू, ये भी बात सही हो जाएगी। प्योर डीएनए कैन बी विजुलाइज डायरेक्टली बाई एक्सोजी यूवी रेज, नहीं ये बात गलत हो जाएगी। क्या होना चाहिए बेटा, इथिडियम ब्रोमाइड होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट और चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बेटा ये एनोड नहीं होता, कैथोड में लोडिंग होती है, इसलिए बात गलत हो जाएगी, इनकरेक्ट पूछा है ना। डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल, जेल के सरफेस पे नहीं आता बेटा, उसके अंदर जो पोर्स होता है उसके जरिए ट्रेवल करता है। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल्स, ये बात सही है। और ये वाला गलत हो गया, प्योर डीएनए। तो आंसर जरा ढूंढो, 1, 2 एंड 4 ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर, 1, 2 एंड 4। ठीक है, टेक्स्ट इज नॉट क्लियर, ठीक है बच्चों करते हैं टेक्स्ट को क्लियर, एक मिनट वेट दो। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। हाँ यूनर्स, कैथोड पे लोडेड होता है, एनोड की तरफ जाता है। एसकेटी बच्चा उसमें दिया है ना कि लोडेड किस साइड पे लोड करते हैं, लोडेड आंसर दिया है एनोड, जबकि होना चाहिए कैथोड। लोड कहां पे करते हैं बेटा, कैथोड पे। तो बेटा रिट्रोवायरसेस का इस्तेमाल करते हैं, रिट्रोवायरसेस का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, रिट्रोवायरसेस का। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रो जेल कैन बी विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद एसिटोकार्मीन एनिलीन ब्लू इथिडियम ब्रोमाइड ब्रोमोफिनाल ब्लू। यह सच है, तो सिंपल बेटा, कांग्रेचुलेशन प्रदीप, इथिडियम ब्रोमाइड और किससे बेटा किया गया था, यूवी।
ठीक है ना, यूवी रेज। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर निगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, पॉजिटिवली चार्ज। तो बच्चा कैसे होता है, निगेटिवली चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज आता है बेटा ड्यू टू फास्फेट। क्योंकि ओवरऑल चार्ज बेटा कैसा आता है, निगेटिव। अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज वेक्टर प्लाज्मिड स्ट्रक्चरल जीन सेलेक्टेबल मार्कर। नीट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के वही सेलेक्टेबल मार्कर, वही वेक्टर, वही प्लाज्मिड। अबे पहचानना किसको, ट्रांसफॉर्म्ड को, तो क्या यूज करोगे, सेलेक्टेबल मार्कर। तो वही देख लो क्वेश्चन बेटा, वही आ रहा है, इसलिए इस चैप्टर से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फिर नीट 2017 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन एग्रोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या क्या क्राइटेरिया है, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर विल इट मूव, द पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू फार इंड्स, निगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स डू नॉट मूव, द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। तो सिंपल सा पहला ही जवाब मिल गया था आपको, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना तेजी से भागेगा, ठीक है। नीट फेस 2016, अ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस कैन बी ज्वाइंड टू अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग इको आर वन टैग पॉलीमरेज, पॉलीमरेज थर्ड लैगेज। थैंक यू प्रदीप झा डियर, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लास्ट आसपन विजुअल नहीं बेटा, लैगेज है, लास्ट लास्ट है लैगेज, और वही आंसर भी है, सब ये दिए जा रहे हैं। हाँ भैया, डीएनए का ग्लू फेविकोल क्या होता है, लैगेज होता है। इको आर वन कहां से दे रहे हो, तो कट करता है ना, एक कट को जोड़ने की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट इंड्स। चलिए बताइए, कल ही बताया था आपको, साल्वन, इको आर फाइव, जो वन होगा, जो वन, हिंद थ्री। वेरी गुड आद्य। तो कल ही बताया था बच्चों, आपको पीडीएफ आज दे देंगे, उसमें याद भी कर लेना। बाकी तीनों कैसे बेटा आपके हैं, स्टिकी इंड। जरा बताओ हिंद थ्री के, हिंद टू के बारे में क्या विचार है आपके, हिंद टू, हिंद थ्री में तो बेटा स्टिकी इंड मिलता है, हिंद टू क्या है, इसमें तो डी ऑप्शन दिख रहा है बच्चा। यस वेरी गुड, ब्लंट, ये याद होना चाहिए। और फार्मूला आपको बता दिया याद करने का, बैम एच वन, कई बार बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए, इको आर वन, इसके बाद बेटा हिंद सेकेंड, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड है, हिंद थर्ड, गगा, गा, गटक, आग, गगा, गा, गटक, आग। थैंक यू योगेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड, ट्रांसफरेबल है,
सिंगल स्टैंडर्ड है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, नीट फेज वन 2016। चलिए जवाब दीजिए भाई। कोई बात नहीं अस्मा बानो, हिंदी में ही हम बोल रहे हैं बच्चा, हिंदी। तो हो जाएगा बच्चा आपका सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, कैसा होता बच्चा? डबल स्टैंडर्ड होता है। और बच्चों सर्कुलर मतलब जरा बताओ, आपका जो हमारे में जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है कि लीनियर होता है? सर्कुलर होता है कि बड़ा लीनियर होता है? ऐसा होता है कि ऐसा होता है, हाँ भाई लीनियर है। जरा बताइए इन दोनों में से कौन लीनियर स्ट्रक्चर है? ए और बी में से कौन लीनियर है? ए और बी में से कौन लीनियर है भाई? हाँ जब हार्वर्ड बोयर पढ़ ले रहे हैं भाई तो कोई भी पढ़ सकता है, ये बात तो सही है। दोनों लीनियर, क्या बात है, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। बोथ आर लीनियर स्ट्रक्चर, जब तक एंड सिरे डिफाइन हो, सिरे दिखने लगे वो क्या होगा बेटा? लीनियर होगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं भाई। नीट फेज वन 2016 का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस? डीएनएज वन, आरएनएज, हिंद टू, प्रोटीएज। तो देख लो बच्चों कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल रहते हैं क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं होते हैं। यस हिंद टू। और प्यारे बच्चों इसका था गगा गा गटक, क्या था भाई? गटक यानी जी टी सी, सी आएगा बेटा जी, टी आएगा ए एंड सी, जी टी सी जी एस सी। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी डी एन ए इन टू प्लाज्मिड्स इन्वॉल्व्स। यस, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं नेचुरल वेक्टर। जरा बताइए बेटा हायर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कौन कॉमन वेक्टर है, कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर हायर ऑर्गेनिजम्स, कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर हायर ऑर्गेनिजम्स कौन है भाई? तब तक अगला क्वेश्चन आता है, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, बैक या प्लाज्मिड कॉस्मिड? यस रिट्रोवायरसेस बेटा कॉमनली यूज्ड वेक्टर होते हैं फॉर हायर ऑर्गेनिजम्स। बच्चों पूछा है कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट, वो होगा बेटा आपका प्लाज्मिड। सबसे कौन कम होता है बेटा आपका? प्लाज्मिड। नहीं भाई कॉस्मिड नहीं होगा, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड से बड़ा कॉस्मिड, उसके बाद बेटा बैक, उसके बाद यैक। ये आपको ऑर्डर पूरा याद होना चाहिए, प्लाज्मिड सबसे कम, कॉस्मिड, बैक, देन यैक। कॉस्मिड में बेटा कॉस फैक्टर पाया जाता है इसलिए उसको कॉस्मिड बोलते हैं। कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर टीडीएनए,
बीएसी एंड वाईएसी, बैक एंड यैक, एक्सप्रेशन वेक्टर, टी बाई ए क्लोनिंग वेक्टर्स। तो बच्चा आपको कौन सा यूज होता है? बैक एंड यैक। और कल मैंने इसका बताया था एक कितने बड़े लेंथ ऑफ बेस पेयर को क्लोन कर सकते हैं, आपको बताया था सबसे ज्यादा था बेटा आपका यैक का 1000 किलो बेस पेयर। नेक्स्ट बेटा नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। ठीक है भाई सुमित, जो तुम बोल दो भाई वही करें। तो भाई क्या हो जाएगा, बिकॉज नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेन बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या पाया जाता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसिडेज पाया जाता है, इसलिए वो क्या करता है ब्लू कलर कॉलोनी देता है और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है बेटा किसमें आपका, रिकॉम्बिनेंट में। डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यस, पीयूसी वेक्टर होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया था इसलिए पीयूसी नाम रखा था उसका। यस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 27, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वेक्टर, सेलेक्टेबल मार्कर, प्लाज्मिड प्रोब। बहुत बार क्वेश्चन आया भाई ये, आज हम लोग पेपर में भी दिए थे इसको। बच्चे भाई हैं 67 के आसपास, 70, लाइक है 54, बहुत ही नाइंसाफी है भाई। यस, प्रोब होता बेटा, डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे होंगे बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव। क्वेश्चन है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद द डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ सिल्वर और प्लैटिनम, प्लैटिनम और जिंक, सिलिकॉन और प्लैटिनम, गोल्ड और टंगस्टन। क्यों अभिनव, ऐसा क्या हो गया? निधि डेली क्लास चलती भाई। क्लास डेली चलती है निधि। यस, गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड एंड टंगस्टन। क्या था नाम बेटा इसका, बायोलॉजिस्टिक या जीन गन? क्या था बेटा, बायोलिस्टिक और जीन गन, और ये यूज किया जाता था प्यारे बच्चों प्लांट्स में, एनिमल में यूज किया जाता है माइक्रो इंजेक्शन। बायोलिस्टिक या जीन गन इज सुटेबल फॉर, तो बच्चों किसमें करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, अभी बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज एज सेलेक्टेबल मार्कर्स टू सेलेक्ट हेल्दी वैक्टर्स एज सिक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट टू कीप द कल्चर्स फ्री ऑफ इंफेक्शन। विजयलक्ष्मी डेली बेटा 8:30 पे क्लास रहती है। यस, आंसर इज सेलेक्टेबल मार्कर। किसकी तरह काम करेगा बेटा, सेलेक्टेबल मार्कर की तरह। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस कॉल्ड इको आर वन, व्हाट डज सीओ पार्ट इज इट
स्टैंड फॉर कोलोन, सीलोम, कोएंजाइम, कोलाई। अभिनव बच्चा 90 क्वेश्चन 12th से था और 90 क्वेश्चन 11th से था, तो आप ये मत कहिए मेजर 12th से आया था, 50-50 था। यस कोलाई, स्पीशीज का नाम होता बेटा कोलाई। ई होता जीनस, आर होता है स्ट्रेन RY13 और वन होता है बेटा ऑर्डर ऑफ ऑप्टेनिंग। एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स इज यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टिश्यू कल्चर, PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बेटा कई बार बता चुके हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 2010 में क्वेश्चन आया था बच्चा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलेंड्रोमिक बेस सीक्वेंस इन DNA कैन बी इजिली कट एट अबाउट द मिडिल बाय सम पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। चलिए जवाब दीजिए। यस ये बेटा इको R1 का है, आपके सिलेबस में यही था GAATTC, बाकी कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ही नहीं, ठीक है ना। कहाँ से डी बोल रहे बर? तो पैलिंड्रोमिक बेटा कई साल आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म? बैक्यूलोवायरस, साल्मोनेला टाइफीमूरियम, राइजोपस निग्रिकेंस, रिट्रोवायरसेस। डॉक्टर रजत त्रिपाठी बच्चा वही क्वेश्चन घुमा के नहीं आ रहे हैं, एक किस साल में कौन क्वेश्चन आ रहा है वो करवा रहे हैं, इससे आप आइडिया लियो कि क्वेश्चन मिलता जुलता आ रहा है, एक ही टॉपिक से आ रहा है। यस रिट्रोवायरस, कई बार देखो रिट्रोवायरस आंसर हो गया। बैकलोवायरस बेटा एक किस जीनस में आते हैं? ये बायो कंट्रोल एजेंट में यूज किया जाता था बैक्लोवायरसेस का, माइक्रोब्स लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको। ये किस जीनस में आता है बेटा बैक्लोवायरसेस? हाँ भाई, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, नॉन टारगेटेड को नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, टारगेट को निपटा देते हैं। यस NPV, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। क्या होगा बच्चा? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। राजोपस आपका बेटा फाइकोमाइसिटीज है। DNA और RNA सेगमेंट टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, देख रहे हो फिर वही क्वेश्चन, वेक्टर, प्रोब, क्लोन, प्लाज्मिड। यस प्रोब, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं बेटा, DNA होंगे या RNA होंगे। 2010 में क्वेश्चन आया था रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आर एंजाइम, तो आप देख रहे हो 2010 तक पहुंच गए, अभी भी एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा जो ये रहा हो कि एम्फीसलिन में इंसर्ट करेंगे तो कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला। तो बेटा सिंपल सा ए है, लाइगेज की बाइंडिंग नहीं कराएगा, पॉलीमरेज को नहीं रोक रहा भाई, एंड से नहीं रोकता है, एक्सोन्यूक्लियस कहलाएगा तब तो आंसर हो जाएगा बेटा पहला। क्वेश्चन 37, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग अ DNA सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू द होस्ट सेल थ्रू अ वेक्टर, कंसीडर द फॉलोइंग फोर एजेंट इन दिस रिगार्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट विच वन और मोर ऑफ दिस कैन बी यूज एज अ वेक्टर। वेक्टर पूछा है बस, मीन्स 2010 में क्वेश्चन आया था, बैक्टीरियम, प्लाज्मिड, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरियोफाज।
हाँ भाई आना ही है, इन्हीं सब से मिलता जुलता आएगा, अलग से थोड़ी ना बनेगा पेपर आपका। लास्ट ऑप्शन बेटा 2 एंड 4 है, डी ऑप्शन 2 एंड 4 है। तो बच्चा बैक्टीरियम का थोड़ी ना वेक्टर के लिए यूज करते हैं, प्लाज्मिड यूज होता है, प्लाज्मोडियम थोड़ी ना होता, बैक्टीरियोफाज यूज होते हैं, रेट्रोवायरसेस। तो 2 एंड 4 आंसर हो जाएगा बेटा, 2 एंड 4। डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाई ट्रीटमेंट विद चिल्ड क्लोरोफॉर्म, आइसोप्रोपेनॉल, चिल्ड इथेनॉल, मिथेनॉल एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों क्या होगा, ये चिल्ड इथेनॉल होता है, इसके बाद क्या करा जाता है, स्पूलिंग, ठीक है ना। हाँ भाई चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर क्या कराएंगे, स्पूलिंग कराएंगे। क्लोरोफॉर्म बड़ा अच्छा चीज है, मिल जाए तो बड़ा मजा है। हमने एक बार केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में गए, धूल डाले पूरा, क्लोरोफॉर्म मिल जाए यार अच्छा लगे, मिला ही नहीं। अब अलग बात है नहीं मिला उस समय। जरा बताओ बेटा क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होगा बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज इसेंशली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। हाँ शुभम वेरी गुड, CHCl3 वेरी गुड। बस यही फार्मूला लेकर ढूंढ रहे थे कहीं लिखा मिल जाए CHCl3, तो पता चला वो लेबोरेटरी में रखते ही नहीं वो लोग, और रखते हैं तो वो लॉकर में रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज इसेंशली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग, तो लार्ज स्केल है तो बेटा क्या हो जाएगा, बायो रिएक्टर। देखो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे, ईयर भी देख लो 2019 का आया, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। देखो 2018 में PCR का स्टेप पूछा, चलो बता दो भाई। एक्सटेंशन डीनेचुरेशन एनिलिंग, एनिलिंग एक्सटेंशन डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन एक्सटेंशन एंड एलिनिंग, डीनेचुरेशन एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। अब क्या करना था क्या बताएं भाई, डीनेचुरेशन एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। इसके बाद एक और पूछा जाता है क्वेश्चन जो आया हुआ है अभी आगे मिलेगा, प्राइमर कहाँ यूज होता है, तो एनिलिंग स्टेज पे, कौन से एंड पे, 3 डैश एंड ऑफ बोथ स्ट्रैंड, ये भी याद होना चाहिए। टेम्परेचर अगर पूछा जाएगा तो आपको याद भी है, फिर से याद कर लो, 94 डिग्री सेल्सियस, 54 to 56 डिग्री सेल्सियस, और ये होता है बेटा 72 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा वेरी करता रहता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, लास्ट में क्या किया जाता है भाई, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या किया जाता भाई, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। स्टीयर्ड टैंक बायो रिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर, तो कल ही आपको बताया था भाई, बहुत क्वेश्चन आया था, दो बार आ चुका है। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स टू द प्रोडक्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, इंश्योरिंग एन एनरोबिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल्स। वही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में भी आया है, एक ईयर और है उसमें भी आया है, आंसर दोनों में ऑक्सीजन वाला ही लगा हुआ है। अभी देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से भी दो क्वेश्चन, एक बार क्या है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और दूसरी बार नीट फेस 2016 में आया है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में इन तीनों, इन चारों में से क्या नहीं करते हैं। यस शुभम, तो बच्चों सेपरेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं है तो इसका नहीं होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा। द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑप्टेंड फ्रॉम, कहां से ऑप्टेंड किया जाता है, बैसिलस सबटाइटिस,
स्यूडोमोनास प्यूटिडा, थर्मस एक्वाटिकस, थायोबैसिलस फेरोडॉक्सिन। यस, थर्मस एक्वाटिकस यहां से किया जाता है। स्यूडोमोनास प्यूटिडा कहां पड़ा है बच्चों? बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, बड़ा अच्छा नाम दे दिया है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा कोई बहता है। यस फ्यूचर डॉक्टर देव, ऑयल स्पिल्स, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है, ऑयल ईटिंग बेटा बैक्टीरिया है। प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती, इन्होंने डिस्कवर किया था। यस साई सुबलक्ष्मी, इसको बोलते हैं बेटा बायो रेमेडिएशन, पॉल्यूशन का कंट्रोल करना थ्रू माइक्रोब्स इज कॉल्ड बायो रेमेडिएशन। थायोबैसिलस और बेटा स्यूडोमोनास दोनों मिलके क्या कहलाते हैं बेटा? डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी, याद रखना चाहिए। 2014 में क्वेश्चन आया था, एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न ब्लॉडिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स डज नॉट यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, पीसीआर। तो बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेगमेंट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ब्लॉटिंग क्या होता था? जब उसको नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता था वो कहलाता था ब्लॉटिंग। और बेटा रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल करते थे, हाइब्रिडाइजेशन होता था। उसके बाद बेटा फोटोग्राफिक फिल्म बनाते थे तो टेक्निक यूज करते थे ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये तीनों यूज करते हैं पीसीआर। उस समय बेटा ब्लॉटिंग टेक्निक में, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में नहीं यूज करते। इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन इन प्लांट इज कैरेक्टराइज बाई पीसीआर एंड आरएपीडी, नदर ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एचपीएलसी, माइक्रोस्कोपी। यस, कल बताया भी था पीसीआर एंड आरएपीडी। बच्चों पीसीआर और आरएपीडी में अंतर क्या है? पीसीआर बेटा जो सेलेक्ट करोगे उसका ही एम्पलीफिकेशन करेगा, आपने जो चूज किया उसी का एम्पलीफिकेशन करेगा। और आरएपीडी बेटा रैंडम होता है, ये किसी का भी कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम नीट 2013। एल्गी मिथाइलेज, फंजाई कार्टिनेज, बैक्टीरिया लाइसोजाइम, प्लांट सेल सेलोज, मिल गया आंसर। एल्गी मिथाइलेज यूज नहीं करेंगे। सोचो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते थे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर देखो चिल्ड इथेनॉल आ गया, चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू, किस लिए एड किया जाता है? तो प्रेसिपिटेट डीएनए। तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन करते हुए आपके अंदर से एक इच्छा आ रही होगी अब तो फोड़ देंगे, आ रही कि नहीं भाई? अब अपनी नीट मुट्ठी में है, बताओ मुट्ठी में आई कि नहीं, पहले बताओ, सब लोग कमेंट करो। अभी बिट्टू दिखा रहे हैं आरएपीडी का पूरा दिखा रहे हैं। बताओ बच्चों नीट मुट्ठी में आ गई, ऐसी फीलिंग आ रही है? बायोटेक्नोलॉजी टफ टॉपिक माना जाता था, लेकिन क्वेश्चन करने के साथ साथ, इवन एनालिसिस करने के साथ साथ आपको एक आइडिया आ गया कि क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं आते हैं, हम लोग उसको हार्ड खुद बना देते हैं सोच सोच के। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। अमित यादव, एक चैप्टर नहीं करवा रहे हैं बच्चा, पूरी एनसीईआरटी करवाए हैं, अधूरा नॉलेज बहुत नुकसानदेह होता है। इकोलॉजी हो चुकी है और बायोटेक्नोलॉजी आज खत्म होने जा रही है और पूरी एनसीईआरटी करवाया जाएगा। ओके अवंतिका, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर? मिस्टर स्मार्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री भी चल रहा बच्चा,
रिया सिंह, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगी? बच्चा टेस्ट सीरीज तभी स्टार्ट होगी जब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा कि आप कोचिंग ओपन कर लीजिए। इसके बाद बेटा माइक्रोब्स स्टार्ट होगा। यस अंजलि, सारे होंगे, सारे चैप्टर, ऑल चैप्टर्स कवर्ड। बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में एनसीईआरटी 12th चल रहा है, इसके बाद चलेगा बेटा आपका एनसीईआरटी 11th पीछे से। पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन प्लांट, देन सेल, देन उसके बाद बेटा मॉर्फोलॉजी, देन लिविंग वर्ड वाला चैप्टर। यस, क्या है भाई पॉलीमरेज क्या यूज करेंगे? ए रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। यस वीरेन, कर देंगे बच्चा, हाई टेम्परेचर पे बेटा ये एक्टिव रहता है। ये था बेटा आपके 49 क्वेश्चन, नियरली 50 क्वेश्चन आपने बच्चा विद इन 1 आवर कर लिया विद PYQs। ठीक है, बाकी बच्चों कल मैंने आपको ये वाला जो दिखाया था याद करिए, याद आ रहा होगा आपको। एक स्टिकी इंड का पूरा दिया हुआ था और बच्चों एक ब्लंट इंड का दिया हुआ है, साथ ही साथ प्लाज्मिड, लैम्डा फेज, कॉस्मिड, P1 फेज, बैक और एक कितना DNA लेंथ को क्लोन कर सकते हैं वो भी दिया हुआ है। ये PDF के फॉर्म में आज आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ बच्चों NCERT आपको देख लो, आपका बेटा कहां से कौन से चैप्टर से क्या पूछा गया, कौन से पार्ट से, सारा दिया हुआ है। ये भी आपको PDF के फॉर्म में दे देंगे, जरा देख लेना। यहाँ पे 1969 हर्बर्ट बोयन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और स्टैनले कोहन ने बेटा प्लाज्मिड पे काम किया था, देख लीजिएगा। इसके बाद किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा आउट ऑफ NCERT है, किस पेज से, कहाँ से, किस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, किस ईयर में, ये लेबल्ड है, देख लो। 2015 2012 नीट 2020 में, 2010 में, 16 में, 2011 में, राइट। देखो इससे पूरा कितना क्वेश्चन पूछा गया, 2020, 2019, 2010। तो ये आपको हम दे देंगे PDF। करना क्या होगा बच्चों आपको, PDF तो आप पढ़ने नहीं जाओगे, आपके पास NCERT है, अपने NCERT में मेंशन कर लीजिएगा। वैसे भी आपको विजयलक्ष्मी न्यूलाइट का जो टेलीग्राम चैनल है, न्यूलाइट इंस्टीट्यूट, लिंक भी भेज दिया गया है, उसको आप बेटा डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और न्यूलाइट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल से PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बच्चों गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। आसिफ अली जल्द आने वाला भाई। विजयलक्ष्मी बताया तो बच्चा टेलीग्राम चैनल पे। शुभ रात्रि बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।